तो हम कहते हैं कि जैसे आप शॉप पे जाते होंगे तो अब आप बड़े बच्चे हैं तो आपके घर वाले बेचते होंगे बोलते होंगे वन के जी टोमेटो ले आओ तो आपको क्या कहते हैं आप अप वन किलोग्राम टमाटो ले आओ ठीक है या वन के जी टोमेटो ले आओ या वन के जी शुगर ले आओ ठीक है तो इसके बारे में हम लर्न करेंगे ठीक है कि वन के जी हम कब यूज़ करते हैं क्या इससे कोई स्मॉलेस्ट यूनिट भी है तो वेट को ठीक है वेट जो है वो डिपेंड किस पे करता है मास पे Okay. जितना ज्यादा किसी चीज़ का मास होगा उतना ज्यादा उस चीज का वेट होगा ठीक है तो यहां से आप रीड कर सकते हो ये वाला पैराग्राफ तो हम यहाँ से मैं पढ़ देती हूँ आप भी देखें और आपने भी रीडिंग लगानी है हाउ मच समथिंग वेट डिपेंड ऑन इट्स मास द मोर मास समथिंग हैज द मोर इज इट्स वेट सो ऑफन वी यूज द वर्ड वेट आर Mass okay, the high uh, weight something we compare its mass with that of fixed weight using a balance. Okay, fixed weight used to weight light things in are in grams. Okay. और दो इज़ यूज टू वेव हैवी थिंग्स आर का किलोग्राम जब हमें स्मॉलर वेट की चीज़ों को मेजर करना होता है तो हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम और जब हमें लार्जर अमाउंट करना होता है थिंग्स को हैवी चीज़ों को मेजर करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम ठीक है किलो अब ये आपने वेव्स ये वाले जो वेट्स के ये वाले हैं ना आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक को मशीन भी आ गई है बट आपने ये भी देखे होंगे शॉप्स पे ठीक है ठीक है कॉमन ग्राम वेट्स वाले और ये किलोग्राम्स वाले वेट्स जो होते हैं ये देखे होंगे ये क्या होते हैं ये एक फिक्स्ड वेट्स होते हैं ठीक है ये टेन के जी ही होगा ये फाइव के जी ही होगा और अगर आपको कुछ चीज़ लेनी है आप टेन के जी फाइव के जी टू के जी तो उसी अकॉर्डिंग वेट्स जो है मेजर करके आपको आप लेते हो ठीक है और साइड्स मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है ये क्या है वन के जी टू ग्राम्स है टू हंड्रेड ग्राम्स है इसका वेट ठीक है और अगर इस पर्टिकुलर का देखें इसका वेट कितना है हंड्रेड ग्राम है एक वन के जी हंड्रेड ग्राम है दूसरा आ, वन के जी टू हंड्रेड ग्राम है और दूसरा जो है वो सिर्फ हंड्रेड ग्राम है ठीक है अभी हमने देखा कि ग्राम जो है स्मॉलर यूनिट है वेट की मेजर करने की किसका मास को मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम है तो अब हंड्रेड ग्राम तो स्मॉलर होगा यहाँ पे केजी है केजी बड़ा अमाउंट है तो ये क्या बड़ा मेजरमेंट यूनिट है तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला जो है बड़ा है इसीलिए इसका वेट क्या है ज्यादा है ये नीचे लग गया है ठीक है तो ये आपको समझाने के लिए पिक्चर्स हैं आप इनको ऐसे देख के भी लर्न कर सकते हो ठीक है ओके अब इस तरफ आ जाए इस पिक्चर में दोनों का वेट सेम है इस वाली ब्रिक का भी और इस साइड जो रखे हुए ये स्टोन है इनका भी सेम वेट है ठीक है तो यहाँ पे आ जाएं राइट द करेक्ट वेट टू बैलेंस द साइड अब इसका करेक्ट वेट लिखें ताकि साइड जो है बैलेंस हो जाए इस साइड देखें 5 केजी राइस था तो ये भी 5 केजी है तो ये बैलेंस साइड है ठीक है अब यहां पे आ जाएं 600 ग्राम सिक्स हंड्रेड ग्राम है और हमें दिए हुए हैं टू स्टोन इन स्टोन में ऐसा वेट पुट करना है कि ये क्या हो जाए दोनों साइड इक्वल हो जाए जब आप इक्वल होती है तो आपकी वो जो तराजू होती है वो बराबर हो जाती है ना ऐसे इक्वल हो जाती है ना ठीक है नहीं तो अगर एक साइड वेट ज्यादा होगा तो वो ऊपर चला जाएगा और जो नीचे होगा आप वो खेलते हैं ना गेम भी जिसका वेट ज्यादा होता है वो ऊपर जाता है और जिसका कम होता है वो नीचे ओके नौ इसमें देखें इसमें क्या वेट आएगा ये मिल्क पाउडर है इसका सिक्स हंड्रेड ग्राम वेट है तो इस साइड इन स्टोन में क्या वेट भरें कि ये सिक्स हंड्रेड ग्राम ही बन जाए हमें पता है एक फाइव हंड्रेड ग्राम का आता है और टू हंड्रेड ग्राम का भी आता है लेकिन हंड्रेड फाइव और वन सिक्स होता है ना तो फाइव हंड्रेड ग्राम का ये बड़े वाले स्टोन में हम क्या भरेंगे फाइव हंड्रेड ग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम डोंट कंसिडर इट किलोग्राम ठीक है और यहाँ स्मॉल वाले में आपने क्या भरना है हंड्रेड ग्राम तो ये बन गया ना सिक्स हंड्रेड ग्राम और सिक्स हंड्रेड ग्राम तो ये वेट क्या हो गया बैलेंस हो गया इक्वल हो गया ठीक है अब आ जाए नेक्स्ट पिक्चर में नेक्स्ट में क्या है मोबाइल फ़ोन है सेल फोन इसमें क्या है 150 ग्राम है इनका वेट अब यहाँ क्या बरेंगे वन हंड्रेड तो हम एक में भरेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम का एक ये यह देखो यहाँ पे दिए हुए हैं हमें और दूसरा 50 ग्राम का भी होता है तो हम यहाँ भरेंगे 50 ग्राम तो 100 और 50 कितना हो गया 150 दोनों की यूनिट सेम है मेजरमेंट के तो 150 हंड्रेड अब ये टमाटो सॉस में कितना है फोर हंड्रेड फिफ्टी ग्राम तो इस साइड क्या भरेंगे कि फोर हंड्रेड फिफ्टी आ जाए ठीक है तो अब आपने क्या करना है सेम स्टोन भी उस ना तो ये टू हंड्रेड ये भी टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड कितना हो गया फोर हंड्रेड चाहिए कितना फोर हंड्रेड फिफ्टी और फिफ्टी ग्राम और चाहिए तो लास्ट वाले में भर लेंगे फिफ्टी ग्राम तो ये वेट और ये वेट सेम हो जाएगा ठीक है अब लास्ट के जो दो हैं चलें एक केजी वाला है, अभी तक ग्राम वाला कर रहे थे एक में कर देती हूँ लास्ट वाला आप करना अब इसमें क्या दिया हुआ है ट्वेंटी केजी दिया हुआ और स्टोन कितने दिए हैं तीन अगर सिर्फ एक होता तो हम सीधा ट्वेंटी के लिख लेते लेकिन अब तीन दिए हुए हैं तो क्या बर सकते हैं देखें एक में हम भर सकते हैं टेन के ठीक है और इसमें क्या भर सकते हैं फाइव के

सेवन ओके स्टूडेंट तो अभी हमने क्या सीखा कि हमने सीखा जो वन के जी होता है मास का वेट तो सबसे बड़ा होता है के जी में और जो बड़ी हैवी चीजों के लिए हम के जी यूज करते हैं किलोग्राम ठीक है और उसको शॉर्ट फॉर्म क्या होती है के जी की के जी ओके मतलब किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या है के जी ओके और दूसरा क्या होता है ग्राम और हम उसको जी से डिनोट करते हैं और वो होता है इक्वल टू तो थाउजेंड ग्राम किसके वन के जी मीन्स वन के जी इक्वल टू तो? थाउजेंड ग्राम ओके वन के जी इक्वल टू थाउजेंड ग्राम अब आपने ये बात याद रखी अब आपको इसी पे क्वेश्चन आएंगे या तो कन्वर्जन आएगा दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस ठीक है बेसिक यही रहेगा और नंबर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे चले इतना आपने याद रखा अब देखें क्या है यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं चेंज टू के जी ग्राम सॉरी टू के जी किलोग्राम इन ग्राम्स ओके और देखें पहले इसी को देखते हैं क्या बोला है कि टू के जी को मीन्स टू किलोग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किस में ग्राम्स में ठीक है इसका इसमें जाना है तो जा सकते हैं हमें पता है कि वन केजी के जी इक्वल होता है थाउजेंड के तो टू केजी के जी इक्वल हो जाएगा इसके दो मैथड हैं आप दो तरीके से कर सकते हैं ठीक है या तो डायरेक्ट आप टू को मल्टीप्लाई कर दें थाउजेंड से क्यों क्योंकि वन के जी अगर थाउजेंड ग्राम के है तो टू केजी किस के जी किसके किस के, कितने ग्राम के इक्वल होगा टू को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करो तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा टू थाउजेंड ग्राम में ठीक है इतना अगर समझ आ गया है गुड नहीं तो आपके पास दूसरा ये है दूसरा मेथड में आपको बता दू इट्स नॉट वर्किंग ओके चलें दूसरा मेथड ये है कि आप इस टू के को आप क्या लिख सकते हो टू के किसके इक्वल होता है वन के जी मीन्स वन किलोग्राम प्लस वन किलोग्राम ठीक है दोनों सेम चीजें हैं ना वन के जी प्लस वन के जी कितना हो गया टू के जी तो उसको मैंने ओपन करके लिख दिया एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया थी, ठीक है वन के जी प्लस वन के जी अब ये हमें पता है कि वन के जी किसके इक्वल होता है थाउजेंड ग्राम के और इसके नीचे भी थाउजेंड ग्राम लिख सकते हैं हमें बताया है कि ये भी इसके इक्वल होता है वन के जी थाउजेंड ग्राम के बहुत था, थाउजेंड थाउजेंड तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टू थाउजेंड ग्राम ठीक है तो हम बोल सकते हैं वन और वन टू इंटू थाउजेंड तो वही आपका आंसर आएगा टू थाउजेंड ग्राम ठीक है आई होप आपको कन्वर्जन आ गया होगा जिसका किलोग्राम का ग्राम में ठीक है अगर यहाँ टू की जगह थ्री होता तो थ्री इंटू थाउजेंड हो जाता फोर होता तो फोर इंटू थाउजेंट हो जाता सिंपल है आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है आप थाउजेंड से किलोग्राम का जो भी नंबर आपको दिया है जो भी नंबर आपको किलोग्राम का दिया है मतलब ट्वेंटी दिया है तो भी आपने थाउजेंड से ही मल्टीप्लाई करना है अब ये ट्वेंटी किस में लिया मैंने किलोग्राम में मतलब आपको ट्वेंटी किलोग्राम दिया है ट्वेंटी के दिया है और आपको बोला है कन्वर्ट करो ग्राम्स में तो आपने ट्वेंटी के को मल्टीप्लाई कर लेना है किससे ग्राम से कितने ग्राम से थाउजेंड ग्राम से ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा कि ट्वेंटी किलोग्राम कितने ग्राम्स के इक्वल होता है ठीक है तो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है आपको ऐसे नहीं करना है कि आप लिख लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे देखें जब भी ज़ीरो की हमने मल्टीप्लिकेशन के मेथड में पढ़ा था ना प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी जीरो होता है तो वो जीरो ही आता है तो आपने देखना है यहाँ वन है यहाँ टू है मींस टू इंटू वन तो टू ही आएगा ठीक है ये जीरो भी यहाँ पर आएगा ही आएगा ट्वेंटी एज इट इज़ लिख लेना है उसके आगे तीन ज़ीरो पुट कर लेने ठीक है उसकी राइट साइड पे तीन जीरो पुट कर लेने कोई भी हो अगर यहाँ पे ट्वेंटी एट होता ट्वेंटी एट पूरा ऐसे आता उसके आगे तीन जीरो ठीक है इजी है सिंपल है तो आपको तो, कैलकुलेशन ये इतनी टफ नहीं होती इसकी ठीक है चले ये तो कन्वर्जन हो गया किलोग्राम का ग्राम में अब क्या कह रहा है कि थ्री के जी टू सिक्सटी ग्राम है गिवन हमें और इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमेंट ग्राम्स में ठीक है क्या दिया है थ्री के जी और टू सिक्सटी ग्राम ये गिवन है और हमें बोला गया है इसको ग्राम में कन्वर्ट आप बोलोगे मैम ये तो ऑलरेडी ग्राम में है ठीक है ये ग्राम में है तो इसको दो मिनट साइड पे रख देते हैं पहले हम थ्री के जी है ना इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स में ठीक है तो आपने थ्री इंटू थाउजेंड करना है अभी हमने सीखा जब भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर क्या आता है जो डी नंबर होता है वो और साथ में तीन जीरो आ जाते हैं इस थाउजेंड के ठीक है तो ये बन गया थ्री थाउजेंड ग्राम ठीक है ये सिर्फ अभी हमने इसका कन्वर्जन किया और ये प्लस टू सिक्सटी कर दो इसमें ऐड क्योंकि ये भी तो ग्राम के हैं ग्राम ग्राम सेम है तो ऐड कर दो इनको ठीक है टोटल हमें बताने हैं सिक्स का सिक्स टू का टू थ्री का थ्री थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी ग्राम विल बी योर आंसर और आप यहां भी देखेंगे तो वही होगा ठीक है यही है चल नेक्स्ट देखें आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं टू चेंज के जी इंटू ये वाला टू चेंज के जी इंटू ग्राम के जी एंड ग्राम टू ग्राम चेंज द के जी टू ग्राम एंड देन ऐड टू ग्राम वही जो हमने किया कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें किलोग्राम भी दिया है और ग्राम भी दिया है ठीक है इन दो को दिया है और बोला है कि ग्राम में कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे इस किलोग्राम वाली जो भी नंबर होगा इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको उसमें ये वाला ग्राम्स जो है ऐड कर देंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है तो कॉन्सेप्ट को आप एकदम से अंडरस्टैंड कर लो और फिर आप जो है जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगी ओके okay? नौ no. अब क्या कहता है चेंज एट थाउजेंड ग्राम इनटू ग्राम ठीक है इसके लिए भी आपने सिंपल याद रखना है जब हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया तो हमने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया था एक मेथड हमने ये याद रखा ठीक है वही अप्लाई हुआ यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्राम्स में दिया हुआ है और आपने किलोग्राम में चेंज करना जब ऐसा केस आएगा जब ग्राम्स में गिवन होगा और किलोग्राम्स तक जाना होगा तो आप क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर लेंगे उस ग्राम को ठीक है यहाँ पे एट थाउजेंड ग्राम है तो आप एट थाउजेंड ग्राम को कर क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे वन थाउजेंड से ठीक है तो ये आपका डिविडेंड है ये आपका आ, डिवाइजर है आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे सिंपल बता दूँ जो आप यहाँ पे डिवीजन का रूल लगता है क्योंकि यहाँ पे नीचे देखें तीन जीरो हैं ठीक है ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी तीन जीरो और यहाँ पे वन है इट मींस वन के टेबल में एट कब जाएगा एट टाइम ही जाएगा तो ये जीरो तीनों और ये जीरो तीनों सेम जीरो जो होंगे वो कट जाएंगे ठीक है सेम जीरो का केस ऐसा होता है आप ऐसा मत करना कि आपको एट हंड्रेड ट्वेंटी एट हो और नीचे सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट हो और आप बोलो मैम ने बोला था सेम नंबर ऊपर नीचे काट जाते हैं आप एट एट सिक्स यहाँ पे भी सिक्स और सिक्स काट दो ऐसा नहीं होगा ठीक है ये ये ऐसा नहीं है बस मैं आपको बता रही हूं कि आप इन तीन जीरो को तीन जीरो से काट सकते हैं क्यों अब आप मैं आपको वैसे डिवीज़न करके भी बता देती हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे एट थाउजेंड आपका डिविडेंड है मैंने आपसे कहा ना जब भी आपको ग्राम्स में किल, को कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में तो आप क्या करोगे जो भी ग्राम्स में गिवन होगा उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे थाउजेंड से डिवाइड कर दोगे इतनी बात समझ आ गई इट मीन्स वो थाउजेंड आपका क्या है डिवाइजर है तो यहां मैं लिख लेती हूँ थाउजेंड ठीक है ये थाउजेंड डिवाइजर है डिविडेंट आपका एट थाउजेंड है अब पढ़ो टेबल वन के टेबल में एट का बता है मैंने कहा है ना आपने क्या करना है हर एक डिविडेंड के हर एक डिजिट को सॉल्व करना है तो जब ऐसा केस आ जाए कि इधर जीरो है तो आप उतने ही जीरो ऊपर पुट कर रुक जाओ यहाँ पे वन थाउजेंड है ना यहाँ जीरो नहीं आएंगे एक मिनट आपने क्या करना है यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वन एट सा एट लेकिन यहाँ जीरो भी तो है ठीक है आप क्या करते हो जब भी आपका जो डिवाइजर होता है उसका टेबल पढ़ते हो तो मीन्स आप यहाँ थाउजेंड का टेबल पढ़ रहे हो ना ठीक है थाउजेंड इंटू एट करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा एट थाउजेंड ही आएगा ठीक है तो थाउजेंड इंटू एट करो तो आपका आंसर क्या आता है एट थाउजेंड ठीक है तो आपका क्या आ गया ज़ीरो बच गया तो ये आया ना एट आपका आंसर सो मच मिस ओके ये एट आपका आंसर आया ठीक है एट बच गया यही मैं आपको वहाँ समझा रही थी कि जब भी आपका न्यूमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में हो ठीक है न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो तो वो कट जाते हैं ठीक है यही मैं आपसे कह रही थी एट आंसर आया था आया था ना एट आंसर आप यहाँ देखो अगर ये तीन जीरो ये तीन जीरो कट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा एट एट अपॉन वन नीचे वन मतलब कुछ नहीं मतलब ये वन आपका फिर डिवाइजर है तो वन के टेबल में एट कब आएगा एट टाइम ही आएगा तो आपका आंसर एट ही होता है इसलिए वन को डिनोमिनेटर में कंसीडर नहीं किया जाता फिर आपका जो न्यूमिरेटर का नंबर होता है वही आता है ठीक है तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ठीक है आपने क्या करना है आपने बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे और आपने यही करना है कि आपने सच में डिवाइड कर लेना है अपनी रफ नोटबुक पे जैसे इस केस में थाउजेंड था अगर सिक्स थाउजेंड होता तो क्या होता अब आपको पता है थाउजेंड इंटू सिक्स करोगे तो आपका आंसर सिक्स थाउजेंट आएगा आप करके भी देख सकते हो क्योंकि ये डिवाइजर और जो हमारा क्वेश्चन होता है हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है तभी हमें ये आंसर मिलता है ना टेबल ही तो पढ़ते हैं वही रूल लगेगा तो आप कर लो थाउजेंट इंटू सिक्स तो आपको मिल जाएगा आंसर ठीक है आई होप क्या अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कन्वर्जन यही इंपॉर्टेंट है और आपने एक्सरसाइज में यही करना है तो ध्यान से देखें आप ठीक है अब इसको क्या करना है कि चेंज करें सिक्स थाउजेंड फ़िफ्टी फोर ग्राम को के किलोग्राम में और और ग्राम में ठीक है इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है ठीक है अब क्या है ये सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फोर ग्राम है ठीक है इसको किलोग्राम में और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अभी हमने सीखा जब भी ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा हम क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे थाउजेंड से डिवाइड करेंगे इस नंबर के केस में आप देखो अब डिफरेंट चेंज अगेन आप पहले ज़ीरो जीरो थे तो कट जाते थे आप क्या कटेंगे नहीं अब ये थाउजेंड है ये सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फोर है तो आप जब इसको करोगे ये आपका डिविडेंड है ये आपका डिवाइजर है तो आप करोगे तो आपका जो नीचे रिमाइंडर होता है ना वो कितना बच जाएगा फिफ्टी फ़ोर और क्वेश्चन आपका सिक्स आएगा आपका सिक्स आएगा रिमाइंडर आपका फिफ्टी फोर बच जाएगा क्वेश्चन तो करूँगी तो वहां और आपको समझा दूंगी चले अब आ जाए एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज आपकी है सेवनटीन फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है चेंज इनटू टू ग्राम अभी मैंने सिखाया जब भी किलोग्राम में दिया होगा क्या करेंगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे या नंबर के आगे पुट कर देंगे तो आप इन सबको आप कर सकते हो ये बन जाएगा थ्री थाउजेंड ग्राम ठीक है थ्री के जी किसके थ्री थाउजेंड ग्राम के कैसे आया थ्री इंटू थाउजेंड कर दिया ठीक है क्योंकि वन के जी किसके ग्राम होता है थाउजेंड के ठीक है तो थ्री किसके हो जाएगा थ्री इंटू थाउजेंड कर दिया क्यों क्योंकि अगर हम इसको ऐड करते जाएंगे ए वन टू थ्री थ्री बार में ऐड करना पड़ेगा तो तो भी वही आंसर मिलेगा और जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री से तो भी वही आंसर मिलेगा क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है ठीक है तो इसी तरह आप इन सब को कन्वर्ट कर लोगे ग्राम्स में नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है फाइव के जी सेवन थाउजेंड ग्राम ठीक है अब इसको कन्वर्ट किस में करना है ग्राम में करना है अभी हमने सीखा जो के जी वाला पोर्शन होता है किलोग्राम वाला इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो और उसमें प्लस कर लो ग्राम वाला ठीक है तो ये कितना हो जाएगा फाइव के जी को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे हो जाएगा फाइव थाउजेंड ग्राम क्यों क्योंकि ये थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस सेवन हंड्रेड करोगे तो ये फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ग्राम जो है आपका फाइनल आंसर आएगा ओके तो इसी तरह बाकी सब भी आप रेस्ट पार्ट भी कर लेंगे ठीक है बस आज के लिए इतना ही रखेंगे नेक्स्ट टू क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपको अगर इस इन दो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या कॉन्सेप्ट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़